पे हमें मॉडर्न तरीके का लॉक देखने मिल जाता है, जहाँ पे नॉर्मल की फिंगरप्रिंट और मोबाइल स्कैन करके आप स्टोर को ओपन कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले अब यहाँ पे एंटर कर लिया है लिविंग रूम में, और लिविंग रूम देखिए, दिस इज अमेजिंग, वाओ, इटालियन मार्बल। और यहाँ पे आपको एल शेप्ड लिविंग रूम देखने मिल जाता है, जहाँ पे आप यहाँ पे डिनर डाइनिंग एरिया सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे हर रूम में आपको एयर कंडीशन प्रोवाइड किया जा रहा है डेवलपर की तरफ से। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो की साइज़ काफ़ी बड़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। और अब यहाँ पे देखिए लिविंग रूम का एरिया तो बहुत ही बड़े एरिया में आपको देखने मिल जाता है, जैसा मैंने कहा एल शेप्ड लिविंग रूम है, इटालियन मार्बल। और अब यहाँ पे बढ़ते हैं किचन की तरफ, तो किचन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है मॉड्यूलर किचन, और इस ढंग से आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर द पोजीशन। इस एरिया में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर सेटअप कर सकते हो, और आगे यहाँ पे बढ़े तो यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है वॉशिंग मशीन रखने या रखने का एरिया, जहाँ पे ऑलरेडी फिट है, यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है कनेक्शन और टैप कनेक्शन। और यहाँ पे भी विंडो दिया गया, तो वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एंड यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म दिए गए, प्लेटफॉर्म 1 एंड प्लेटफॉर्म 2। एंड नाउ लेट्स मूव टू कॉमन बाथरूम। सो बाथरूम, वाओ अमेजिंग, कितनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। और यहाँ पे बात करें फिटिंग्स के बारे में, तो ब्रांडेड फिटिंग्स आपको देखने मिल जाएंगी इस प्रोजेक्ट में। आपको मैं अंदर भी जाके दिखा दूँ, तो आप ये जो व्यू देख रहे हो वो एकदम एंड पे खड़ा हूँ मैं इस वॉशरूम के। और अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा बेडरूम 1। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कॉमन वॉशरूम से लग के यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है एक पूजा रूम, स्टडी रूम बोल सकते हो, स्टडी रूम नहीं बोलूँगा, वार्डरोब आप बना सकते हो, पूजा रूम, या फिर जो भी आपके हिसाब से इस स्पेस को यूटिलाइज़ करना है तो आप कर सकते हो, तो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होगी इस प्रोजेक्ट की। और अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कॉमन बेडरूम की, तो यहाँ पे हमें इस प्रकार का कॉमन बेडरूम दिया गया है। अगेन वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमें दिए गए हैं बड़े बड़े विंडोज़, और एयर कंडीशन आपको इस प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम पहले मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि यहाँ पे इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है, और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाला, एसी आपको मिलने वाला ही है, और कुछ इस तरह का आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। देख सकते हो मैं एंड पे खड़ा हूँ, और साइज़ आप इमेजिन कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देखिए अटैच बाथरूम, तो यहाँ पे आपको इस तरह का वुडन डोर दिया गया है वॉशरूम का, और ब्रांडेड फिटिंग्स अगेन, और यस दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड बिल्ड क्वालिटी इज़ अमेजिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड बेडरूम, बट बिफोर वी लुक इन टू दैट, लेट्स लुक एट दिस सिक्योरिटी सिस्टम, जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मॉडर्न तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम दिया गया है। और अब यहाँ पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड बेडरूम, जिस थर्ड मास्टर बेडरूम, जहाँ पे कुछ इस तरह का आपको साइज़ देखने को मिल जाता है। और अब यहाँ पे देखे वॉशरूम की तरफ, तो सेम फिटिंग, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम बिल्ड क्वालिटी आपको इस बेडरूम में भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ थर्ड बेडरूम की तरफ, और वहाँ से आपका पैसेज एरिया देखिए कितना ही ब्रॉड लग रहा है, और फायर फाइटिंग के भी प्रोविजन यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में जितने भी मॉडर्न चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगी। तो हम सभी ने देखा यहाँ पे 3 BHK 900 स्क्वायर फीट का सैम्पल फ्लैट। और अब यहाँ पे बात करें इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की, तो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या प्राइसिंग है इस प्रोजेक्ट की। लोकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में, तो डीएन नगर स्टेशन 5 मिनट्स के वॉक इन डिस्टेंस पे है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक्स और जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं सारी की सारी एकदम नियर बाय कनेक्टिविटी पे है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको कनेक्टिविटी के मामले में नहीं होने वाली। और अब यहाँ पर बात करें
डेवलपर के बारे में, तो जैसा मैंने कहा कि ये प्लैटिनम कोर का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे जो बिल्डर का जो प्रोफाइल अगर हम लोग देखें तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर किए और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ओसी रिसीव्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। और यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई अगर प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली डिलीवर हुए ऑन टाइम प्लस ओसी, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन देने वाली बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन आपको बहुत ही जल्दी इसका पोजीशन होने वाला है और ये रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो और उसके बाद वहाँ से आपका पूरा आप साइट में विजिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको परचेस करना है तो ज़रूर आप उनको बताइए कि आपने हमारा वीडियो देख के ही इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान किया है, तो इस चैनल की उसके वजह से काफ़ी मदद हो जाएगी। तो इस वीडियो को अब यहाँ पर अंत करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो बहुत ही धमाकेदार कंटेंट के साथ। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।